तो चले तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस पैदल मार्च के साथ साथ मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र भी चल रहे हैं। आज इंटरनेशनल वेमेंस डे, ममता कोलकाता की सड़कों गलियों से निकलती हुई हाथ जोड़कर धन्यवाद करती, अभिवादन करती और ये बताती हुई कि किस तरीके से बंगाल की बेटी, देश की बेटी के साथ ये बेटी भी खड़ी है। बीजेपी ने जवाब रखा था, बेटी चाहिए बुआ नहीं। कल भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरजे थे। उन्होंने कहा था वापस से कि बंगाल की जनता ने तो बेटी को चुना लेकिन वो बुआ बन गई। देखिए किस तरीके से सिर्फ एक ही भतीजे के लिए उन्होंने काम किया है। और इसके जवाब में कल ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल की कीमतें उठाई थी, एलपीजी गैस की कीमतें उठाई थी। जब सिलीगुड़ी में मार्च किया था, मालागुड़ी से लेकर हाशमी चौक तक 1.5 से 2 किलोमीटर तक का ये मार्च था। और इस बीच आज फिर से रैली जिसमें महिलाएं साथ में। जी अनुपम जी, बिल्कुल लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास का ये मार्च है। ममता बनर्जी लगातार चल रही हैं, आसपास महिलाएं भी हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो हाथ में कुछ लेके जय बांग्ला लेकर चल रही हैं। इस मार्च को कैसे देख रही हैं? महिलाओं के लिए क्या जुड़ने, महिलाओं से जुड़ने के लिए ये मार्च है? हम बोले तुम्हार दले अमित शाह नेताई नेताई भारी, तुम्हार दले शुभेंदु मुकुल नेताई नेताई भारी, और आमार दुर्गा एकाई 165 नारी, जार कारणे आमरा सब महिलारा तार साथ। हिंदी में थोड़ा बताइए। हिंदी तो बोलते वाली ना। ये कह रही हैं दुर्गा के समान ये ममता बनर्जी को देख रही हैं, दुर्गा के रूप में ममता बनर्जी को देख रही हैं, और चाहे विपक्ष कितना भी आ जाए, ममता बनर्जी अकेले बंगाल में दुर्गा का स्वरूप है और सबसे वो मुकाबला कर लेंगी। अनुपम, जाहिर सी बात है कि अब आप बंगाली महिला के साथ चल रहे हो, वो बंगाली बोलेगी, अब तो हम भी थोड़ा बहुत समझने लग गए हैं। ठीक है, उनको बोलने दीजिए, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। और ये 5-2 है संग्राम का। जी बिल्कुल, अगर आप तस्वीर देख रही हैं, पीछे देख सकती हैं कि काफी महिलाएं ममता बनर्जी के साथ चल रही हैं, और महिलाओं को साथ लेकर चलने का मकसद है एक ही है कि महिलाओं से जुड़ना। पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट भी अगर हम देखें तो महिलाएं काफी संख्या में हैं, और महिलाएं काफी संख्या में बाहर निकलकर वोट देती हैं, और महिलाओं की खासियत है कि सुबह सुबह वो वोट दे देती हैं, क्योंकि उनको खाना बनाना होता है, तो इसलिए सुबह सुबह वो वोट दे के घर आ जाती हैं। तो महिलाओं से जुड़ने के लिए इससे बड़ा मंच ममता बनर्जी के पास और कुछ नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो पैदल चलकर, जो ममता बनर्जी की खासियत है, मजबूती है, पैदल चलना ममता बनर्जी की खासियत है, उसका इस्तेमाल वो बखूबी कर रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ममता बनर्जी ने लगभग 10 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च किया। आज फिर वो यहाँ पर लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा मार्च कर रही हैं। गर्मी काफी है लेकिन फिर भी काफी महिलाएं उनके साथ हैं, और ये जो कनेक्ट है, ये कनेक्ट इसीलिए है, जुड़ाव की कोशिश इसीलिए है कि चुनाव में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ऐसे में महिला वोटर को अगर वो प्रभावित कर पाए तो ये एम फैक्टर जो है बंगाल की राजनीति में काफी अहम हो सकता है।